जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल यथार्थ क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, मैं पिछले क्लास में आपको बता चुका हूँ कि जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से होता था, वो हमने प्लांट्स के बारे में बात किया हुआ था। प्लांट्स में क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है, क्या बेसिस होता है उनका क्लासिफिकेशन का, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में चर्चा कर ली। यहाँ पे हम लोग एनिमल के क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। एनिमल का क्लासिफिकेशन जो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होता है इन कंपैरिजन टू प्लांट्स, क्योंकि यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम पहले यहाँ पे ये देखेंगे कि एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए क्या-क्या क्राइटेरिया लिए जा सकते हैं या क्या-क्या बेसिस हो सकते हैं जिनके आधार पे हम एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बिना देरी किए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम लोग देखेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का क्या बेसिस हो सकता है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहला जो क्राइटेरिया है एनिमल्स को क्लासिफाई करने का वो है ऑर्गेनाइजेशन, या हम इसे कह सकते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर जो हम बात करें तो क्या हो सकता है, कोई एनिमल या तो सिंगल सेल का हो सकता है या वो कई सेल का ग्रुप होगा जो एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, या उस ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो चुका होगा, या उस ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट हो चुका होगा। तो इन सब चीज़ों के आधार पे, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे हम डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स में। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को किस तरह से डिवाइड किया जाता है, कैसे कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, ग्रुप्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमने आपको एक एग्जाम्पल भी दे दिया था उस समय कि आपके पास कुछ एनिमल्स हैं और उन एनिमल्स को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करके उनको ग्रुप में डिवाइड करना है, तो आप ग्रुप कैसे बनाएंगे। तो आपके लिए मैंने सिंपल एक बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, हैबिटेट के बेसिस पे हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे पानी में रहने वाले जीव को हम अलग रख देंगे, जो जमीन पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम अलग रख देंगे, या जो उड़ने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम अलग रख देंगे। तो एक सिंपल क्राइटेरिया हुआ कि ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड कैसे करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म्स का, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स को लेते हैं और उसके आधार पे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला करेक्टरिस्टिक है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन जो होगा उनका, उनके बॉडी का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा वो कैसा होगा, सेलुलर लेवल होगा, टिश्यू लेवल होगा, ऑर्गन लेवल होगा, या ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा, इस आधार पे हम क्लासिफाई करते हैं। दूसरा जो क्राइटेरिया लेते हैं उनकी बॉडी की सिमिट्री का क्राइटेरिया लेते हैं। तो बॉडी की सिमिट्री का क्या क्राइटेरिया हो सकता है, या तो उनकी बॉडी एसिमिट्रिकल होगी। एसिमिट्रिकल का मतलब है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी एनिमल को दो हाफ में ऐसे कन्वर्ट करें कि उनकी बॉडी दो हाफ में क्लियर डिवाइड हो जाए। अगर डिवाइड हो जाती है तो वो सिमिट्रिकल ऑर्गेनिज्म है, अगर वह डिवाइड नहीं होती है यानी दो इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड होती है तो उसे हम एसिमेट्रिकल कहेंगे। जैसे अमीबा ऑर्गेनिज्म है, तो अमीबा ऑर्गेनिज्म क्या कोई शेप नहीं होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता है। अब हम इसको किसी भी प्लेन से काटें तो ये दो इक्वल भाग में डिवाइड नहीं हो सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं जो है अनइक्वलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए हम अमीबा को कह सकते हैं कि एसिमिट्रिकल है। उसी तरह से हम बात करते हैं सिमिट्रिकल की, यानी हम किसी ऐसे प्लेन से काटें कि
कि उनकी बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, तब हम उस ऑर्गेनिज्म को कहेंगे कि यहाँ सिमिट्रिकल है, यहाँ पे सिमिट्रिकल जो है बॉडी सिमिट्री पाई जा रही है। तो ये जो सिमिट्रिकल बॉडी सिमिट्री है वो कितने तरह की हो सकती है, यहाँ पे हम देखते हैं कि दो तरह से हो सकती है, या तो रेडियल सिमिट्री होगी या तो बाइलेटरल सिमिट्री होगी। तो रेडियल सिमिट्री ऐसी सिमिट्री है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके सेंटर से होकर के कोई भी लाइन खींचे और ये दो इक्वल भाग में डिवाइड हो जाए, कोई भी लाइन उसके सेंटर से होकर के अगर जो हम खींचते हैं तो ये जो है दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी, तो इसे हम कहेंगे रेडियल सिमेट्री। और बाइलेटरल सिमेट्री होता है सिर्फ एक जगह से, एक प्लेन से हम अगर किसी ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल भाग में काटते हैं और वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है तो उसे हम कहेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। अब जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है ये फाइलम सीलेंट्रेटा का एक ऑर्गेनिज्म है अरेलिया। अरेलिया को जब हम काटते हैं तो इसके सेंटर से होकर के कोई भी लाइन खींच देंगे तो वो क्या हो जाएगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जबकि ये जो है आपका अमीबा है, अमीबा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, यानी एसिमिट्रिकल है, और ये कैसा हो गया, रेडियल सिमिट्री हो गई। अब दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को अगर जो बीचों बीच ऐसे काट दिया जाए तो हमारे दोनों तरफ जो है क्या होगा, इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, तो इसे हम कहेंगे बाइलेटरल सिमिट्री। दूसरा एक क्राइटेरिया होता है वो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखते हैं हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का पाया जाता है, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है और दूसरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ पे ये जो ब्लड वेसल्स हमारी हैं, ब्लड वेसल्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक जो हार्ट से ब्लड को लेकर के आती हैं टिश्यूज में और दूसरी जो टिश्यूज से कलेक्ट करके लेके जाती हैं हार्ट में। तो ये दो तरह की हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं। अब ये दोनों तरह की जो ब्लड वेसल्स हैं, अगर ये दोनों आपस में जुड़ी नहीं हैं, लास्ट में कहीं पे जा करके ये आपस में जुड़ी नहीं हैं, यानी कि इस बात को ऐसे समझिए कि हार्ट से जो हमारा ब्लड आ रहा है वो ब्लड डायरेक्ट जा करके टिश्यू पे गिर जा रहा है, ठीक है, और वहाँ से जितना ब्लड से लेना होगा, ऑक्सीजन लेना होगा या कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में दे देना होगा या वहाँ से न्यूट्रिशन को लेना होगा, ऐसी चीज़ें जो हो रही हैं वो टिश्यू के द्वारा ले लिया गया और वहाँ जो ब्लड है अब उस ब्लड को फिर से दूसरे वेसल्स में कलेक्ट करके फिर से हार्ट में ले जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो सिस्टम होगा, यानी कि ये दोनों आपस में कहीं जुड़ी नहीं होंगी, यहाँ ये वाली जो ले जाने वाली ब्लड वेसल्स हैं ये क्या कर रही हैं, ये यहीं से टिश्यू से डायरेक्टली फ्लूड को उठा रही हैं, यानी ब्लड को उठा रही हैं, और जो हार्ट से ले आने वाली ब्लड वेसल्स हैं ये क्या कर रही हैं कि यहाँ पे ब्लड को डायरेक्टली टिश्यू में पोर कर दे रही हैं। तो इस तरह के सिस्टम को, सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। जबकि अब ये दोनों जो ब्लड वेसल्स हैं ये आपस में अगर जुड़े हों ठीक इस तरह से, अब ये आपस में ब्लड वेसल्स क्या हैं, जुड़े हुए हैं, तो जो हार्ट से लेकर के ब्लड को आ रही है वो जुड़ी हुई है जो हार्ट को लेकर के ब्लड वेसल जा रही है। तो अगर इस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है तो उसे हम कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तीसरी बात आती है यहाँ पे जर्म लेयर की। तो जर्म लेयर क्या होता है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्पर्म और ओबा जब फ्यूज करती है, यानी मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जब फ्यूज करते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट जब बनता है तो जाइगोट के अंदर फिर फर्दर डेवलपमेंट होता है और वहाँ पे सेल डिवीजन होगा, सेल डिवाइड करेगी, एक सेल से दो सेल, चार सेल, आठ सेल, 16 सेल, 32 सेल और इसी तरह से ढेर सारे सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी। अब ये एक सेल का एक बॉल बन जाएगा, एक मास बन जाएगा सेल का, और ये सेल जो होंगी इसके अंदर वो अब अरेंज होंगी लेयर्स में, लेयर्स में अब अरेंज होंगी। तो ये जो लेयर्स में अरेंज होंगी तो ये लेयर बनाती हैं तीन, एक तो होता है एक्टोडर्म,
जो सबसे बाहरी लेयर होती है वो कहलाती है इक्टोडर्म, और जो बीच की लेयर होती है उसे हम कहते हैं मीजोडर्म, और जो बाहर की सबसे लेयर होती है उस जो अंदर की सबसे लेयर होती है उसे हम कहते हैं इंडोडर्म। यानी हमको तीन लेयर मिल गई हैं, एक तो हो गई इक्टोडर्म, दूसरी हो गई मीजोडर्म, और अंदर की जो लेयर होगी उसे हम कहेंगे इंडोडर्म। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ दो लेयर पाई जाती हो, यहाँ जर्म लेयर जो है वो सिर्फ दो लेयर पाई जाती है, दैट मीन इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। अगर इंडोडर्म और इक्टोडर्म दो ही लेयर पाई जा रही है तो उसे हम कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। जबकि ऐसे एनिमल जिनका डेवलपमेंट तीन लेयर से होता है, थ्री लेयर से होता है, तो उनको हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। दैट मीन उन एनिमल्स के पा उन एनिमल्स में जर्म लेयर जो होगा वो तीन लेयर का बना होगा, जिसमें कि इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, ये तीनों लेयर्स पाए जाएंगे। तो इन्हें हम कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अब बात करते हैं हम लोग सीलोम की। सीलोम क्या चीज है? इट इज ए स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। यानी कि अब देखिए, जैसे हमारी बॉडी है, हम खुद से समझते हैं हमारी बॉडी कैसी है। ये एक बहुत बड़ा सा ट्यूब है, और इस बड़े ट्यूब में एक छोटी ट्यूब रखी हुई है। इस तरह से हमारी छोटी ट्यूब रखी है, ठीक है? ये हमारा छोटी ट्यूब जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये हमारा इंटेस्टाइन है पूरा। जो इंटेस्टाइन है ये पूरा आपका जा रहा है, स्टमक है, ये स्टमक है, और ये हमारा इंटेस्टाइन है। तो इस ट्यूब के अंदर ट्यूब है। अब ट्यूब के अंदर जो ट्यूब है उसके बीच में ये खाली जगह दिखाई दे रहा है आपको। ये जो स्पेस आपको खाली दिखाई दे रहा है ये स्पेस कहलाता है सीलोम। यानी इट इज अ स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, एंड इट हेल्प्स इन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स के क्लासिफिकेशन में ये भी मदद करता है। कैसे करता है? कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास ये सीलोम नहीं पाया जाता है, ये जो कैविटी है ये कैविटी नहीं पाई जाती है, उन एनिमल्स को हम कहते हैं एसीलोमेट, यानी उनके पास सीलोम नहीं पाया जा रहा। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके पास सीलोम जैसा दिखाई देता है, सीलोम पाया नहीं जा रहा, सीलोम के जैसा दिखाई देता है, ऐसी कैविटी पाई जाती है लेकिन वो ट्रू सीलोम नहीं होती है, उसे हम कहते हैं सूडो सीलोमेट। और ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी के अंदर ये बॉडी कैविटी पाई जा रही है उसे हम कहते हैं यू सीलोमेट। इसको आप लोग पूरी तरह से नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अक्सर क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाता है। यहाँ पे आप समझिए, फिर से इसको देखिए कि ये देखिए, हम यहाँ कह रहे हैं कि ये हमारी बॉडी वॉल है, ठीक है? ये बॉडी वॉल है यहाँ पे, ये बाहर वाली आपको लेयर दिख रही है, और उसके अंदर जो है ये अंदर वाली लेयर है। इनके बीच में आपको एक स्पेस दिख रहा होगा, यही स्पेस जो है वो क्या कहलाती है? सीलोम कहलाती है। अब अगर ये सीलोम पूरी तरह से टिश्यू से फिल्ड है, भरा हुआ है, तो यानी यहाँ पे किसी भी तरह का सीलोम यानी कैविटी नहीं पाई जा रही है, तो उसे हम कहेंगे एसीलोमेट। और यहाँ पे कैविटी जैसा दिख रहा है पर कैविटी है नहीं एक्चुअल में, उसे हम कहेंगे सूडो सीलोमेट। और सीलोमेट वे हैं जहाँ पे ये कैविटी पाई जा रही है, और ट्रू सीलोम है उसे हम कहेंगे सीलोमेट। वही फिगर यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इक्टोडर्म है, मीजोडर्म है और इंडोडर्म, तीनों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, लेयर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कोई सीलोम नहीं पाया जा रहा है, ये टिश्यू से फिल्ड है, ये टिश्यू से भरा हुआ है पूरा चारों तरफ, तो ये जो है आपका एसीलोमेट हो जाएगा। यहाँ पे छोटे छोटे कैविटी आपको दिखाई दे रहे हैं, लग रहा है कि कैविटी है पर ये ट्रू सीलोम नहीं है, तो इसीलिए इनको कहा जाता है सूडो सीलोमेट। जबकि यहाँ पे हमको ट्रू कैविटी दिखाई दे रही है, इसी को हम कहेंगे यू सीलोमेट या सीलोमेट सिंपली बोलेंगे। अब हम बात करते हैं जो मेरा पहला फाइलम है, उस फाइलम की फाइलम प्रोटोजोआ। क्योंकि पूरे एनिमल किंगडम को 11 फाइलम में डिवाइड किया गया है, तो 11 फाइलम हमको यहाँ पे पढ़ना है, जबकि ये और भी ज़्यादा फाइलम है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि 11 ही फाइलम है, 11 फाइलम नहीं है,
11 फाइलम से ज़्यादा हैं, लेकिन हमको यहाँ पे 11 फाइलम यानी 11 फाइलम्स को यहाँ पे पढ़ना है। तो हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था प्रोटिस्टा के बारे में, तो प्रोटिस्टा के जितने भी करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो सारे के सारे करेक्टरिस्टिक फीचर जो हैं वो लगभग यहाँ पे मौजूद होंगे, सभी नहीं लगभग यहाँ पे सारे होंगे। जैसे ये यूनिसेलुलर होता है और यूकैरियोट होता है, जितने भी प्रोटिस्ट हैं या जितने भी हम कहें प्रोटोजोआ हैं वो यूनिसेलुलर हैं और यूकैरियोटिक हैं, ठीक है। ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है जो कि धरती पे सबसे पहले आए होंगे, ये प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, ये ऐसे प्रिमिटिव एनिमल्स हैं जो धरती पे पहले आए होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, तो इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्लाज्मिक लेवल है। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का मतलब है कि एक ही सेल के अंदर क्या हो रही है कि सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, चाहे इनका जो है रिस्पायरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, डाइजेशन हो, वो सारा का सारा वो एक ही सेल के अंदर हो रहा है, एक ही सेल के अंदर हो रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे कहेंगे इनका जो बॉडी है वो कैसा है, वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। ये दूसरा है यहाँ पे आपका इररेगुलर, इनका शेप इररेगुलर हो सकता है, इलोंगेटेड हो सकता है या राउंडेड हो सकता है। दे हैव इनके पास लोकोमोटरी आर्गन यानी चलने फिरने के लिए जो ऑर्गन होगा वो हो सकता है सीलिया हो सकता है, फ्लैजिला हो सकता है, या तो सूडोपोडिया हो सकता है। सूडोपोडिया के बारे में हमने आपको प्रोटिस्टा वाले क्लास में हमने बता दिया था। इनमें न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन यहाँ पे होलोजोइक हो सकता है, होलोफिटिक हो सकता है, या मिक्सोट्रॉफिक हो सकता है। मतलब है कि ये एनिमल की तरह खा सकते हैं या अपना भोजन खुद बना सकते हैं। किसी किसी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि ये दोनों क्राइटेरिया एक ही होगा। जैसे यूग्लिना है, यूग्लिना लाइट के प्रेजेंस में ये अपना भोजन खुद बना सकता है यानी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, लेकिन जब लाइट नहीं होगा तो ये जो है होलोजोइक नेचर में ये भोजन करेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं यूग्लिना जो है वो मिक्सोट्रॉपिक एनिमल है। कैसा है? मिक्सोट्रॉपिक एनिमल है। यहाँ पे डाइजेशन जो होगा वो इंट्रासेलुलर होगा। अब देखिए डाइजेशन इंट्रासेलुलर और एक और होता है एक्स्ट्रासेलुलर, ठीक है। एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर, अगर किसी फूड पार्टिकल का डाइजेशन किसी सेल के अंदर ही हो रहा है, ये फूड पार्टिकल है और इस फूड पार्टिकल का जो डाइजेशन हो रहा है वो सेल के अंदर हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे इंट्रासेलुलर। वहीं पे किसी भी फूड पार्टिकल का डाइजेशन सेल के बाहर हो रहा है, यानी कि एंजाइम्स जितने हैं वो सेल के बाहर छोड़ दिए जा रहे हैं, ये फूड जो है वो पूरी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जा रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, और ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद सेल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ये बात क्लियर हो रही है? अगर सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है तो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, अगर सेल के बाहर डाइजेशन हो रहा है तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे जो एक्सक्रीशन और रेस्पायरेशन जैसे प्रोसेसेस हैं एनिमल्स के, ये इनके बॉडी सरफेस से ही होगा, यानी कि जो इनकी बॉडी सरफेस है यहीं से रेस्पायरेशन यानी ऑक्सीजन का डिफ्यूजन जो है वो इसी के द्वारा, इनके बॉडी सरफेस के द्वारा आसानी से हो जाएगा। और एक्सक्रीशन की बात करें यानी जो बना हुआ CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो इन्हीं बॉडी सरफेस के द्वारा ही बाहर निकाल दिया जाएगा। इसे ही हम कहेंगे कि यहाँ पे जो सिंपल डिफ्यूजन है, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ही निकाला जाता है, और इसे ही कहेंगे कि इनका जो रिस्पायरेशन एक्सक्रीशन है वो कैसे हो रहा है, जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा हो रहा है। इसमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी हो सकता है और एसेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन होता है। अगर जो हम एग्जांपल की बात करें तो अमीबा है, एंटमीबा, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना और पैरामीशियम जैसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इस प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हैं। ये देखिए ये आपका आपका ये जो है अमीबा है, ये एंट अमीबा है। एंट अमीबा और अमीबा में देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो ये अमीबा है और ये एंट अमीबा है। ये आपका है पैरामीशियम
और ये है युगलीना। युगलीना कैसा है? मिक्सोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, मिक्सोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। ये कैसा है? प्लाज्मोडियम है। ये प्लाज्मोडियम है जिससे हम लोगों को मलेरिया होता है, यही प्लाज्मोडियम है, इसी से मलेरिया होता है हमको। ठीक है, तो आज हम लोगों ने प्रोटोजोआ कंप्लीट किया है। बाद के लेक्चर में, चूंकि ये जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम लोग छोटे छोटे लेक्चर्स में ही जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग नए लेक्चर में देखेंगे आगे का पोर्शन। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।